बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो इस लेक्चर में हमने बेसिकली, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना क्या है कि हमारे पास जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगे, उनको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। आप रैशनलाइज किस तरह करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7 अपॉन रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 5। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सेड नहीं होना चाहिए, कोई नॉन सेड नंबर हो। सो इसको करते हैं रेशनलाइज। आप रेशनलाइज का प्रोसीजर ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। कंजुगेट का हमने देखा था कि क्या है कि जब भी कोई बाइनोमियल हो तो उसका कंजुगेट सेट क्या होगा कि अगर ये खुद नेगेटिव है तो इसका कंजुगेट सेट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट सेट से प्लस रेडिकल 5। कॉन्जुगेट सेट से जो है हम मतलब जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नाउ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हमारे पास आएगा 7 रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म बन रहा है। तो ये बेसिकली बन जाएगा ए स्क्वेयर, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, रेडिकल 2 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर जो कि 5 है, तो रेडिकल 5 का स्क्वेयर इक्वल टू, नाउ 7 रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5 स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर लेगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर लेगा, आपके पास बचेगा 2 माइनस 5। अब 2 माइनस 5 को हमने क्या करना है, बेसिकली हमारे पास बन रहा है 7 रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, सो मजीद चूंकि सॉल्व नहीं हो सकता, सो ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है कि हमने करना क्या है उसमें कि रेडिकल 2x प्लस रेडिकल 3y डिवाइडेड बाय रेडिकल 2x माइनस रेडिकल 3y। सो अब हमने क्या करना है कि इसको, इसके जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज करना होगा। सो अगेन हम क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रेडिकल 2x, ये चूंकि माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट में क्या होगा, प्लस होगा, रेडिकल 3y। नाउ जब हम देखते हैं भाई, तो एक्चुअली ये और ये टर्म जो है ये आपस में बिल्कुल सेम है, तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, हमारे पास आएगा रेडिकल 2x प्लस रेडिकल 3y द होल स्क्वायर, और यहां पे बेसिकली हमारे पास बनेगा a माइनस b a प्लस b। सो a प्लस b और इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म बन रहा है। सो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वेयर। सो मजीद इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि ये स्क्वेयर वाला फार्मूला है तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला क्या था इसका कि ए प्लस बी द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। इसी तरह इसका जो फार्मूला था वो हमारे पास था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपके पास हो तो, बल्कि हम यहाँ पे जो है फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है कि स्क्वायर को रेडिकल के साथ कैंसिल करना है ताकि मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। सो हम करते हैं इसको, हमारे पास आएगा
इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे रेडिकल 2x मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी हमारे पास 3y है तो 3y का स्क्वेयर, उसके बाद प्लस 2 ए बी और नीचे हमारे पास चूंकि स्क्वायर उसके रूट ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। इसी तरह जो हम यहाँ पे देखते हैं सो 2 जो है वो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2। ये चूंकि दो रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके रेडिकल को हम कंबाइन कर सकते हैं सो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y से सो 3 से 6xy और नीचे आपके पास आएगा 2x माइनस 3y। चूंकि मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता तो यही जो है आपके पास क्या होगा आंसर होगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है सो हम इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास रेडिकल 8 माइनस रेडिकल 10 डिवाइडेड बाय रेडिकल 6। तो इसके डिनोमिनेटर को जो है रेशनलाइज बनाने के लिए हम क्या करते हैं अगेन प्रोसीजर हुई है कि हम इसके डिनोमिनेटर से जो है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सो हमारे पास आएगा रेडिकल 6 डिवाइडेड बाय रेडिकल 6। अब यहाँ पे चूंकि ये मोनोमियल है मतलब यहाँ पे बायनोमियल नहीं है कोई प्लस माइनस का कोई साइन वगैरह नहीं है सो इसलिए हम एग्जैक्टली जो नंबर जो डिनोमिनेटर है उसी के से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सो लेट्स डू इट। आगे करते हैं इसको रेडिकल 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडिकल 8 के साथ और रेडिकल 8 को हम देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस जो रेडिकल 10 है इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। नीचे हमारे पास है रेडिकल 6 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 6। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो हमारे पास आएगा रेडिकल 6 चूंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है 2 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर जो है अपने रेडिकल को कैंसिल कर लेगा तो ये बाहर निकलेगा और रेडिकल 2 ठीक है बच जाएगा माइनस इसको हम कर सकते हैं रेडिकल 2 इनटू रेडिकल रेडिकल 5 इन इनके रेडिकल को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह रेडिकल 6 जब मल्टीप्लाई होगा रेडिकल 6 के साथ तो रेडिकल 6 का स्क्वायर बन जाएगा एंड वी नो दैट कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा ठीक है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 बच जाएगा। इसी तरह अगर हम चेक कर ले तो यहाँ पे जो है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में जो है हमारे पास रेडिकल 2 कॉमन है सो हम रेडिकल 2 जो है वो कॉमन निकाल देंगे सो हमारे पास होगा रेडिकल 6 और एक हमने रेडिकल 2 बाय निकाल दिया तो हमारे पास रेडिकल 2 बाय निकालने के बाद क्या बच गया 2 माइनस यहाँ पे रेडिकल 2 बाय निकला क्या बच गया रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नाउ रेडिकल 6 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 जो है बेसिकली 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा और 2 माइनस रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो बनेगा हमारे पास 12 यानी रेडिकल 12 और 2 माइनस रेडिकल 5 नीचे हमारे पास 6। अब चूंकि 12 आया हुआ है तो हम 12 को जो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं ठीक है बाकी एज इट इज और 4 चूंकि एक स्क्वायर नंबर है सो हम कह सकते हैं कि 4 इज एक्चुअली 2 स्क्वायर तो रेडिकल 4 जो है वो क्या करेगा अपने उसको कैंसिल करके आपके पास क्या आएगा 2 आ जाएगा सो 2 इनटू रेडिकल 3 4 बाहर निकल गया
2 बन गया और रेडिकल 3 अपनी जगह पे, देन 2 माइनस रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 6। नाउ 2 वन जार 2, 2 थ्री जार 6, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आया, रेडिकल 3 इंटू 2 माइनस रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 3। एक स्टेप और कर लेते हैं इसका कि इस रेडिकल 3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रेडिकल 5 के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। सो हमारे पास आएगा 2 रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 3 रेडिकल 5 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएंगे तो आपके पास क्या होगा वो 15 हो जाएगा, रेडिकल 15 डिवाइड बाय 3, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई, हमने क्या करना है कि इनको सिंप्लीफाई करना होगा। सो अगेन अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो अगेन एक सर्ड के फॉर्म में है, नॉन रेशनल के फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म में है। सो हम क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। सो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, सो हमारे पास आएगा रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2, और नीचे भी आएगा रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 इंटू रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2 डिवाइड बाय जब करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। सो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 2। सो 3 अपॉन 4 रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2, यही हमारे पास आंसर है। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 को अगर हम देख लें, सो पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है, पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि 3 इंटू 1 अपॉन रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 प्लस 4 अपॉन रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2। सो हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? सो पहले चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो है दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है कि एलसीएम लेके इनका इनको आपस में ऐड करना होगा। सो एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास बनेगा इसका एलसीएम 3 इंटू इसका एलसीएम बन जाएगा रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 सॉरी। नाउ रेडिकल 5 इसका एलसीएम अगर आप अंदर रखेंगे और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आंसर आएगा उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपके पास वो आएगा रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 प्लस, उसके बाद अगेन यही प्रोसीजर जो है आप सेकेंड फ्रैक्शन के साथ करोगे तो आपके पास आएगा 4 इंटू रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2। सो ये आपके पास बन जाएगा 3। मजीद सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, सो हमारे पास बनेगा रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2 प्लस ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 4 रेडिकल 5 प्लस 4 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। सो हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर लेंगे
तो हमारे पास बनेगा थ्री। अच्छा यहाँ पे जो है रेडिकल फाइव मतलब वन रेडिकल फाइव प्लस फोर रेडिकल फाइव, फाइव रेडिकल फाइव। फिर उसके बाद माइनस वन रेडिकल टू प्लस फोर रेडिकल टू, तो ये के पास बनेगा प्लस थ्री रेडिकल टू, मतलब फोर में से वन माइनस कर दिए तो हमारे पास आएगा थ्री। नीचे हमारे पास होगा फाइव माइनस टू, ठीक है। एक स्टेप मजीद कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आएगा फाइव रेडिकल फाइव प्लस थ्री रेडिकल टू डिवाइड बाय थ्री। अब थ्री जो है वो थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा फाइव रेडिकल फाइव प्लस थ्री रेडिकल टू। ये हमारे पास जो है क्या है आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर फोर, रेडिकल थ्री माइनस रेडिकल टू इनटू रेडिकल सिक्स माइनस रेडिकल एट। सो इसको हमने क्या करना है कि मजीद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है ही नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिंपली, चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो ब्रैकेट्स, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि फर्स्ट नंबर को दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, ठीक है। सो रेडिकल थ्री इंटू रेडिकल सिक्स, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और रेडिकल थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल एट के साथ। फिर उसके बाद जो है आप सेकंड नंबर की बारी है, इसको पहले वाले के साथ, पहले नंबर के साथ, फिर इसको दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आएगा माइनस रेडिकल टू इंटू रेडिकल सिक्स, और माइनस माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास होगा रेडिकल टू इंटू रेडिकल एट। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा, चूंकि दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसके रेडिकल को कंबाइन कर सकते हैं। सो थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स, फिर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एट, माइनस टू रेडिकल, सॉरी टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एट। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा थ्री सिक्स एटीन, माइनस एट थ्री से 24, माइनस सिक्स टू से 12, प्लस एट टू से 16। नाउ 18 को हम 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं, और 24 को हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 4 टू से 8, 8 थ्री से 24 लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको जो है सिंप्लिसिटी के लिए इसको ब्रेक डायरेक्ट इस तरह भी कि 4 6 24, एंड देन माइनस 12 को जो है हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, सो 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। 9 चूंकि 3 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, तो 3 रेडिकल 2 बन जाएगा। माइनस 4 चूंकि 2 का स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, रेडिकल 6 बन जाएगा। और उसके बाद 4 चूंकि 2 का स्क्वायर है बाहर निकल गया, रेडिकल 3 बच गया, प्लस 4 अपनी जगह पे। सो ये आपके पास हुआ आंसर। मजीद आप इसको जो है सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। यही हमारे पास आंसर है।